Let's talk about one very important judgment, Asta Enterprises versus State of Bihar. Basically, Section 16, Subsection 2, Clause C के बारे में ये judgment है और बहुत important judgment है. बहुत litigation आने वाली है इस point के ऊपर और बहुत litigation आ भी रही है. तो point क्या है? Section 16, Subsection 2, Clause C deal क्या करता है? ये deal करता है कि मान लो supplier जो है उसने tax को जमा नहीं करवाया. सप्लायर ने आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया और उसने टैक्स को जमा नहीं कराया एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये मानते हैं कि सप्लायर जेन्युइन पार्टी है, वो बोगस डीलर नहीं है. एक्चुअल माल भी आया, एक्चुअल पेमेंट भी हुई, एक्चुअल इनवॉइस भी है एंड सारी ट्रांजैक्शन एक्चुअल है. सप्लायर एग्जिस्ट भी करता है बट सप्लायर ने ड्यू टू एनी रीजन, वो बैंकक्रप्ट हो गया, कुछ भी हो गया, सप्लायर ने पैसे जमा नहीं करवाए, टैक्स के जमा नहीं करवाए, थ्री भी नहीं भरी अपनी, वन नहीं भरी तो, या वन भर दी थ्री भी नहीं भरी, पैसे जमा नहीं कराए, तो इस केसेस में डिपार्टमेंट नोटिसेस इशू कर रहा था तो प्ली यही लिया जा रहा था कि इसमें हमारी क्या गलती, हमने तो पेमेंट भी बैंकिंग चैनल के थ्रू कर दी, हमने गुड्स भी लिए, ये भी प्रूव हो गया, सामने से सप्लायर सर्टिफिकेट भी मिल गया, एवरीथिंग इज इन लाइन, जस्ट बिकॉज सप्लायर ने पैसा जमा नहीं करवाया, जस्ट बिकॉज सप्लायर ने पेमेंट ऑफ जीएसटी नहीं करी डज नॉट मीन कि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई हो जाएगा. तो कोर्ट्स ने अब इसके ऊपर एक व्यू देना शुरू करा है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक सप्लायर जमा नहीं करवाएगा. तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की, जो कंडीशन है, वो कंडीशंस को आपको मैच करके ही चलना पड़ेगा, वो कंडीशंस को आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट. बाद में उन्होंने एक पॉइंट भी रखा इस जजमेंट में, जो रिसिपिएंट था उसने कहा कि ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा जब सप्लायर जमा करवा देगा. मान लो कल को आप सप्लायर को भी तो नोटिस दोगे कि सप्लायर ने अपने टैक्सेस कलेक्ट करे बट जमा क्यों नहीं करवाए, तो जब सप्लायर जमा करवा देगा तब तो दो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, आपने उनसे भी ले लिया हमसे भी ले लिया. तो कोर्ट ने कहा कि आप तब की तब रिफंड ले लेना. तो डेट इज वेरी हार्श, वेरी वेरी हार्श इनफैक्ट प्रोविजन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, लॉ में है एक क्लॉज है कि सामने वाले को जमा करवाना चाहिए, बट आई थिंक ये काफी हार्श प्रोविजन है जीएसटी का, क्योंकि लॉ ही गलत है मेरे हिसाब से. तो क्योंकि लॉ क्या कहता है कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है वो आप कानून बना ही नहीं सकते. अब मैंने, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है गुड्स खरीदना, मेरे हाथ में है पेमेंट करना. मैंने गुड्स भी खरीदी, मैंने पेमेंट भी करे, मैंने जीएसटी का भी पेमेंट कर दिया. अब वो जमा करवाए या ना करवाए वो मेरे हाथ में नहीं है, बट स्टिल मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर दिया जा रहा है. तो शायद मेरे हिसाब से, विद माई व्यू, कि ये लॉ ही गलत है, ये प्रोविजन ही गलत है एंड ये बहुत हार्श प्रोविजन है. एंड बहुत एक्सपेक्टेशन थी कोर्ट से, सारे हम प्रोफेशनल्स को, कि थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, बट कोर्ट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट. वो 16(2)(c) को कोई एंटरटेन नहीं कर रहा और वो कह रहे हैं कि कंडीशन है तो फॉलो करो, हम सप्लायर को नहीं देखेंगे, हम आपको देखेंगे. अगर सप्लायर ने नहीं जमा कराया, आप देखो सप्लायर को, आप उन पे केस करो, आप उनसे पैसे रिकवर करो, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट वी विल डिनाई. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.